नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की झीलें। अब आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं राजस्थान की सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख जो झील है, उस झील का नाम है देखो पुष्कर। पुष्कर झील, इस झील के बहुत सारे नाम हैं। ये कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है। ये झील कहाँ पर है? पुष्कर, और पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर अजमेर में। अब देखो इसके नाम क्या हैं। सबसे पवित्र झील है, सबसे पवित्र झील, इसे कहा जाता है कोंकण तीर्थ। क्या कहा जाता है? कोंकण तीर्थ, इसी के नाम है ये, है ना, कोंकण तीर्थ। और इसे क्या कहा जाता है? तीर्थों की नगरी। इसे क्या कहा जाता है? तीर्थों की नगरी। तो आप मुझे फिर ये बताएंगे कि त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? तीर्थों की नगरी ये है तो त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? ठीक है ना। फिर है, इसे कहते हैं तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। समझ में आ रही है क्या? तीर्थों का मामा। और इसे कहते हैं क्या? सबसे प्रदूषित झील भी यही है। सबसे प्रदूषित झील, सबसे प्रदूषित झील यही है। यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं, इसलिए इसे 52 घाटा झील भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 52 घाटा झील, यानी यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। तो इतने सारे इसी झील के नाम हैं, पवित्र, प्रदूषित, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा। तो तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? तीर्थों की नानी। और ये प्रश्न पूछा गया था जोधपुर में पटवार के एग्जाम में कि तीर्थों की वो देवयानी, देवयानी, तो देवयानी क्या है? सांभर, जयपुर को तीर्थों की नानी कहते हैं। अब देखो पुष्कर जो झील है, इसके बारे में आपको पता लग गया कि पुष्कर अजमेर में है और इतने सारे इसको नामों से जाना जाता है। ये क्या है? एक प्राकृतिक झील है। कौन सी है? प्राकृतिक झील कालडेरा। कौन सा डेरा? कालडेरा, ज्वालामुखी निर्मित झील है। एक होता है क्रेटर झील, मैंने आपको पहले बता रखा है। क्रेटर और कालडेरा में क्या अंतर है? ज्वालामुखी का मुंह अगर छोटा है तो उसको क्या कहेंगे? क्रेटर। और मुंह अगर उसका बड़ा है तो उसको क्या कहेंगे? कालडेरा। तो कालडेरा जो झील है वो पुष्कर झील है, और क्रेटर जो झील है वो नक्की झील सिरोही में है, जो सर्वाधिक ऊंची झील भी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो शेयर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाइक ठोको। अब ये झील है पुष्कर झील। कौन सी झील है? पुष्कर झील। इस झील के किनारे एक मंदिर है। इस झील के किनारे एक मंदिर है, वराहा मंदिर। कौन सा मंदिर है? वराहा मंदिर। इसी झील के किनारे एक और मंदिर है जिसका नाम है रंगा जी का मंदिर। किसका मंदिर है? रंगा जी का मंदिर। अब ये रंगा जी का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? कि ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में ये मंदिर बना हुआ है, इसलिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। और इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका?
ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, और इसी झील के पास में रत्नागिरी पहाड़ी पार, कौन सी पहाड़ी पार, रत्नागिरी पहाड़ी पार सावित्री जी का मंदिर भी है। किसका, सावित्री जी का मंदिर भी है, ठीक है ना। तो कौन सी पहाड़ी, रत्नागिरी पहाड़ी पार सावित्री जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, वराह मंदिर है, रंगा जी का मंदिर है। इस पहाड़ी के सॉरी इस झील के किनारे जयपुर के राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया मान पैलेस स्थित है। यहीं पर कालिदास जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी के द्वारा यहीं पर लिखा गया था। और इसी झील के किनारे मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, ठीक है ना। विश्वामित्र की क्या की थी, तपस्या भंग की थी। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। देखो महाभारत की रचना की वेद व्यास जी ने। देखो क्या क्या है, एक एक प्रश्न सब आए हुए हैं प्रश्न है। इस झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं, कितने घाट, 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें से एक घाट है जिसका नाम है जनाना घाट, जनाना घाट। और इस जनाना घाट से गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, इसलिए इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है, गांधी घाट के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे यहीं से भगवान राम के पिता दशरथ की अस्थियों का क्या किया गया था, विसर्जन किया गया था। ये सबसे प्रदूषित झील भी है और ये राजस्थान का यहाँ पर मेला भरता है, और ये मेला भरता है, ये जो सबसे रंगीन मेला है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। यहाँ पर जाकर के देखने से ही पता लगेगा कि ये रंगीन मेला क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, रंग बिरंगे चटकीले कपड़े पहन करके आते हैं, इसलिए इसे रंगीन मेला कहा जाता है। लेकिन ये मेला भरता कब है, तो ये मेला भरता है कार्तिक की पूर्णिमा को ये मेला भरता है, कार्तिक की पूर्णिमा को ये मेला भरता है। और ये मेला कहाँ पर भरता है, यहाँ पर भरता है कहाँ पर, पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना। तो ये मेला आपको समझ में आ गई होगी, ये झील पुष्कर झील। बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल A to Z समझ में पक्का आ रहा होगा। आगे की झील देखते हैं, अपन फालतू टाइम पास नहीं करेंगे यार, टाइम पास करने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे आपको जो बीच में फालतू की कॉमेडी करते रहते हैं, है ना। अभी आपके ऊपर है, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर किया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ठीक है, उससे क्या मेरा मनोबल बढ़ता है। अगली जो झील है वो है राजसमंद, कौन सी, राजसमंद झील। और ये कहां पर है, राजसमंद में ही है, कहां पर है, राजसमंद जिले में,
ठीक है ना, राजसमंद जिले में इसको क्या कहते हैं, राज समुद्र भी कहते हैं, इसको राज समुद्र भी कहते हैं इस झील को। देखो ये ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नाम है, तो राजसमंद झील। राजसमंद जिले में कहां पर है, कांकरोली, कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास, कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास ये झील है। ये झील राजस्थान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। पहले नंबर की जैसमंद उदयपुर की है, दूसरे नंबर की यह है। ये जो झील है, इस झील के अंदर गोमती नदी का पानी आता है। कौन सी नदी, गोमती नदी, गोमती नदी का पानी इस झील के अंदर आता है। और इस झील के किनारे बिना पति के, इंपॉर्टेंट पर्सन, बिना पति के सती होने वाली, घेवर, घेवर माता का मंदिर इसी झील के किनारे है। बिना पति के सती होने वाली घेवर माता का मंदिर इसी झील के किनारे है। कौन सी झील, राजसमंद झील। और इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहते हैं। नौ चौकी की पाल, ठीक है ना, नौ चौकी की पाल कहते हैं इसके उत्तरी भाग को। यहां पर इसमें काले संगमरमर से 25 शिलालेख हैं। 25 क्या हैं, शिलालेख हैं। उसके अंदर 1917 श्लोक हैं संस्कृत भाषा में। 1917 श्लोक कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा में। और इन पर क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ का इतिहास। क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ का इतिहास इस पर लिखा हुआ है। यहां जो प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा ये प्रशस्ति लिखी गई थी। राज प्रशस्ति इसकी द्वारा लिखी गई थी। तो ये है राजसमंद झील, जो राजसमंद जिले में है। और बिना पति के सती होने वाली जो माता है, वो घेवर माता इसी झील के किनारे मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक झील और है राजसमंद में, उस झील का नाम है नंदसमंद झील। एक झील और है और उस झील का नाम है नंदसमंद। कौन सी, नंदसमंद झील, ये कहां पर है, राजसमंद में ही है ना, ये कहां पर है, राजसमंद में, कहां पर है, राजसमंद में ही है, ठीक है। सिलीसेड, और ये सिलीसेड कहां पर है, अलवर में। बालसमंद, छोटी छोटी जिले हैं, जिले याद कर लेना। बालसमंद जोधपुर, कायलाना, कायलाना जोधपुर, कायलाना जोधपुर। देखो इसकी एक बात यह है कि इसे राजसमंद जिले की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से, जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत है।
तो आगे आने वाली क्लास में और जो झीलें रह गई एक दो उनको पढ़ेंगे।